हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आज की रेसिपी है बहुत ही टेस्टी सूजी और बेसन का चटपटा नाश्ता। हम इस नाश्ते को बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम सामग्री में बना के तैयार करेंगे। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम एक बाउल लेंगे और एक कप हम सूजी ऐड करेंगे। इसी कप से हम बेसन को भी ऐड करेंगे और इसमें हम लगभग 2.5 कप पानी ऐड करेंगे इसी कप से ही। उस पानी को हम धीरे धीरे ऐड करेंगे ताकि इसमें कोई लंक्स ना बने। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और एक पतली घोल बना के तैयार करेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसके घोल को हम पतली करते जाएंगे। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एक स्मूथ बैटर बना के तैयार करेंगे। हम चम्मच की सहायता से इसको हम चेक कर लेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमने 1 चम्मच हल्दी ऐड किया है। हल्दी हम कलर के लिए ऐड कर रहे हैं, बाकी के मसाले हम बाद में ऐड करेंगे। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हल्दी को भी। हल्दी डालते ही इसका बैटर का कलर बहुत ही परफेक्ट लग रहा है। इसको हम अच्छे से और मिक्स कर लेंगे और इसको 4 से 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। हमने कढ़ाई को पहले से ही चूल्हे में गर्म करने के लिए चढ़ा रखा था। यहाँ पर हमने 2 चम्मच सरसों तेल ऐड किया है। तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे और यहाँ पे हम 1 चुटकी हींग ऐड करेंगे। आप चाहे तो राई भी ऐड कर सकते हो। हमने यहाँ 1/2 चम्मच खड़ा सरसों ऐड किया है। जब हमारा सरसों अच्छे से चटक जाएगा तो हम इसमें बारीक काटी हुई अदरक लहसुन को ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसका प्यूरी भी ऐड कर सकते हो। हमने यहाँ 3 से 4 हरी मिर्च ऐड किया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस के फ्लेम को हम लो ही रखेंगे और हल्का ब्राउन होने तक इसको भून लेंगे। यहाँ पे हम 4 से 5 कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। कड़ी पत्ता ऐड करने से सूजी और बेसन का टिक्का बहुत ही टेस्टी बनता है। यहाँ पे हम गैस के फ्लेम को लो ही रखेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे जो हमने घोल बना के रखा था इसको हम धीरे धीरे ऐड करेंगे और गैस के फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके घोल को एकदम स्मूथ सॉफ्ट डो बना के हम तैयार करेंगे। इसको हम करछी के सहायता से घुमाते रहेंगे ताकि हमारा कढ़ाई में ना चिपके। अगर आप कढ़ाई में चिपक रहा है तो आप हल्का सा ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। हमने गैस का फ्लेम को बंद कर दिया है, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए हमारा डो कितना परफेक्ट और सॉफ्ट बना है। यहाँ पे हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। हमने यहाँ 1/2 चम्मच चाट मसाला ऐड किया है। यहाँ पे हम 1 बारीक काटी हुई प्याज ऐड करेंगे। हमने यहाँ हरी धनिया भी ऐड किया है। यहाँ पे हम स्वाद अनुसार नमक भी ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग मसाले भी ऐड कर सकते हैं। हमने 1 बारीक काटे हुए टमाटर ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो इसमें कुछ हरी सब्जियां भी ऐड कर सकते हो। हमने आलू को उबाल रखा था, इसको अच्छे से मैश कर लिया था और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे हाथों की सहायता से। सारे मिश्रण को अच्छे से हम मिक्स करेंगे और यहाँ पे हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम हाथों में हल्का सा ऑयल ले लेंगे और इसको जैसे हम आटे के डोई बनाते हैं उस तरह हम गोल गोल बना लेंगे और इसको हाथों से प्रेस करेंगे और टिक्का का शेप देंगे। हमने कढ़ाई को पहले से गर्म करने के लिए चढ़ा रखा था। यहाँ पर हम गैस का फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। आप चाहे तो इसका डीप भी फ्राई कर सकते हो। इसको गोल्डन क्रिस्पी होने तक हम एक तरफ से तल लेंगे, इसी तरह से हम पलट लेंगे। देखिए हमारा टिक्का कितना क्रिस्पी बना है। हम बाकी के सारे टिक्कों को इसी तरह से तल लेंगे। सो फ्रेंड, यकीन मानिए अगर आप इस तरह से सूजी और बेसन का टिक्का बनाएगा तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप इसे एक बार बना के खाइएगा तो आप बार बार बनाना चाहिएगा। आप इसे एक बार ज़रूर बनाना।
यहाँ पे हम सारे टिक्के को तल लेंगे। चलिए अब आपको हम शव करके दिखाते हैं, देखिए हमारा टिक्का कितना गोल्डन क्रिस्पी बना है। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।